An is the nth term. A is first term. N number of terms. ये सारा आपने टेंथ में किया हुआ है. एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस. ठीक है. सेम वे में अगर इनमें से कोई, जैसे आपकी ये फोर थिंग्स है, फोर में से कोई थ्री थिंग्स आपको गिवन है, द फोर्थ वन यू कैन कैलकुलेट. उसके बाद ए एन को ही आप एल से भी डिनोट कर सकते हो. तो दैट इज अगेन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एल जो है लास्ट टर्म है, अगर लास्ट टर्म आता है तो भी हम उसको ए एन ही लेके चलते हैं. देन सम ऑफ एन टर्म टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एन नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एस एन इज द सम ऑफ एन टर्म्स. अब इसी में लेट अस सपोज कि हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम फॉर्मूला को इससे रिप्लेस कर देते हैं, ए प्लस एल या ए प्लस ए एन से रिप्लेस कर देते हैं. तो ये फॉर्मूले हमारे नेक्स्ट उसमें यूज होंगे. देन बात आती है अरिथमेटिक मीन की. लेट अस सपोज कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, कोई ए कॉमा बी, इनके बीच में हमने वन नंबर इंसर्ट करना है. वन नंबर इंसर्ट करना है मीन्स जो भी यहाँ पे हम नंबर इंसर्ट करेंगे वो इस तरीके से इंसर्ट करेंगे कि जितने मर्जी हम नंबर्स बीच में इंसर्ट करते जाएं, ये आपकी जो है जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी दैट शुड रिमेन एज एन एपी, वो एपी की तरह ही आपकी रहनी चाहिए. ठीक है. तो जो नंबर्स हम बीच में इसके इंसर्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन. ए एम से डिनोट करते हैं हम उनको. एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स जो है दैट इज गिवन बाय ए प्लस बी बाय टू. मीन की बात हो रही है तो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टू. सो इसी तरीके से हमें जो है एन नंबर्स ए और बी के बीच में इंसर्ट करने आ सकते हैं. तो दैट विल बी गिवन बाय ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन अप टू ए एन. और ये दो नंबर्स आपके बीच में रहेंगे. हाँ जी. तो ए और बी के बीच में अगर आपको एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, अरिथमेटिक मीन हमेशा हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. ए वन ए टू ए थ्री ए एन तक ये इंसर्शन हो गई. अब ये जो आपका बनेगा सीक्वेंस बनेगा, दिस इज एन ए पी, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स विल बी सेम. अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी यहाँ पे, एन प्लस टू. क्लियर. कहाँ थे आप वैसे? हाँ तो फोन देना ही है रिसेप्शन पे, फिर एक्टिवा में रखा करो अपने फोन. कल स्पेशल मैसेज गया आप लोगों को. टीचर्स तो कोई भी नहीं लेंगे, टीचर्स को भी इंस्ट्रक्शंस हैं. अब एक्सरसाइज 9.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं. टेंथ वाला ही है सारा ये. nth टर्म a गिवन बाय a n, दिस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d. देन लास्ट टर्म nth टर्म ही होती है, सेम फॉर्मूला है. सम ऑफ n टर्म्स, ये भी टेंथ में किया हुआ है, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ये एक नई चीज आई है आपके पास इस क्लास में कि अगर हमें दो नंबर्स a और b गिवन है उनके बीच में हमने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो अरिथमेटिक मीन जो है इनका दैट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल a. और मीन है तो इट मींस सम डिवाइडेड बाय 2, टू नंबर्स का सम है डिवाइडेड बाय 2. अगर इसी तरीके से n नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो a1, a2, a3, an. ये नंबर्स जो हैं क्योंकि अरिथमेटिक मीन है तो ये इस वे में होंगे कि इंसर्ट करने के बाद भी इन कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल बी सेम. बस ये किया हमने. ठीक है. अब क्या करूं, बुक में है सब कुछ. आएंगे, बताऊंगी, वो भी बताऊंगी.
उसका भी फॉर्मूला है वो बताऊंगी आपको। अब हमें गिवन है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 2001 जितने भी इसमें ऑड इंटीजर्स बनते हैं उन सब का हमने क्या करना है, सम निकालना है। मधु वो पेपर उठा लो बेटे, मुझे दे दो। मैथ्स फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। फ्रॉम 1 है मतलब 1 को आपने इंक्लूड करना है एंड अप टू 2001 है यानी कि 2001 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, 1 ऑड नंबर सारे ले लेने हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन 2001। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, देन कॉमन डिफरेंस गिवन है। कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये गिवन है। लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म हम हमेशा ए एन लेके चलते हैं। थ्री थिंग्स जो हमने फॉर्मूला किया था आउट ऑफ 4 हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ए डी और ए एन हमें गिवन है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन गिवन है हमें 2001, ए इज 1, एन हमने निकालना है, डी इज 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, एन कितना आ गया 1001। अब हमें सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एनी डाउट क्या है आपका? टू कैसे आया यहाँ पे, प्लस 1 है। बिल्कुल ठीक है, माइनस 1 होएगा। हाँ हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2n इज इक्वल टू 2002 आ गया आपका, उसको जब डिवाइड करोगे तो वो 1001 आएगा। क्या आया sn? एन कितना है 1001 बाई 2 इंटू 2a इज 2 प्लस एन माइनस 1, 1000 इंटू डी इज 2। हाँ जी, हाँ वो भी लगा सकते हैं, a प्लस l कर सकते हैं। किसकी a 1 है ना, तो 2 1s are 1 2। चले अगले पे, सो दिस इज 1001 इंटू 1001। डन। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। बिटवीन 100 and 1000 है मीन्स 100 और 1000 को नहीं लेना है, तो 100 से अगला मल्टीपल ऑफ 5 क्या बनेगा, 105, then 110, 115 and so on up to last number क्या लोगे? 1000 से पहले कौन सा number जो है वो 5 से divisible है, 995, 105, 110 and so on 995, you are to find the sum. A is 105, D is 5, difference between two consecutive terms, AN is 995, सबसे पहले अगेन N निकालना है आपको, number of terms निकाल लो क्या आएंगी,
कितना आया सिंपलीफाई करके? हाँ179, ठीक है. नाउ फाइंड एस इन. A is 105, N आपने कैलकुलेट किया 179, B is 5. कितना आया ये? इलेवन हंड्रेड आ रहा है? इलेवन हंड्रेड ही आ रहा है. यहाँ कितना आ रहा है? ए प्लस एल लगा ले. यहाँ कितना है? 890. सो दिस इज 179 इंटू 1100 बाय 2. यहां सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर. क्लियर? 984. अब क्वेश्चन नंबर 3. इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2. ए आपको 2 गिवन है. द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स. शो दैट द 20th टर्म इज -112. 20th टर्म यानी कि ए 20 हमने फाइंड आउट करना है. दैट शुड बी इक्वल टू -112. गिवन क्या है हमें? फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म. Sum of first 5 terms is 1/4 of the sum of next terms. अब देखो first 5 terms ये बनेंगी. तो A1 से लेके A5 तक का अगर हम sum करते हैं, that is given by S5. Sn is the sum of terms starting from 1. 1 से शुरू होके. अब अगले में उसने क्या कहा? Next 5 terms. अब इसको अगर मैं लूं तो आई कैन नॉट राइट इट डाउन एज S10, क्योंकि S10 में 1 से लेके 10 तक का सम होगा. तो इनको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट 10 टर्म्स में से फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है वो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स यानी कि S10 माइनस S5. ये क्लियर है? S10 माइनस S5. अब वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो. पहले S5 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो. सो दिस इज 5 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10. अब वैल्यूज पुट कर दो. S5 यानी कि n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, and this is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Simplify and get your answer. हाँ जी, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. d मुझे नहीं गिवन है. यहां से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, a है, d आ गया,
यू कैन फाइंड आउट 820। फॉर्मूला लगाया ना बेटे यहाँ पे, एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, 2a + n - 1 × d। n मुझे 5 गिवन है, एस 5 के लिए, a 2 गिवन है, n इज 5, तो 4 हो गया 5 - 1। d मुझे नहीं पता कितना आया d, क्या किस किस के बीच में, d और n गिवन तो है 5 और 10। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम मतलब s n को 5 और n को 10, ये 2 कट कर दो, कितना है, बी क्विक, डन, कहाँ समझ नहीं आया, कितना आया मेगा, ठीक है, -20 = 70 d हो जाएगा, d इज इक्वल टू -2/7। अब d आ गया, a आ गया, फाइंड आउट 820। फिर कहीं कुछ वो है, एक बार वो चेक करो, स्टेटमेंट चेक कर लो, स्टेटमेंट चेक करो, अब नई बुक है किसी के पास तो उसमें चेक करो बेटे, कहाँ मैं एक बार स्टेटमेंट चेक कर रही हूँ, रुक जाओ, डी -6 आ रहे हैं, यहां क्या गड़बड़ करी है चेक करो, कौन सा, हाँ यहाँ ये वाला 5 हमने स्किप कर दिया, यस तभी वो गड़बड़ हो रही है, सो यहाँ हो जाएगा 100 + 100d = 40 + 90d, 10d = -60, d = -6, d माइनस सिक्स आ गया, अब इसको पुट करके 820 निकालना, सो ये हमें शो करना था, दिस इज आवर आंसर,
डन, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम -25। सम -25 के लिए एपी आपको गिवन है -6, -11/2, -5 आर नीडेड। हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड मींस यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सम चाहिए -25, ए आपके पास -6 है, डी इज -11/2, -6 हाफ आ जाएगा, एस एन आपको गिवन है -25, तो एस एन का आप फॉर्मूला लगा लोगे, एस एन इज -25, एन हमें नहीं पता, ए इज -6 एंड डी इज हाफ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एन। हाँ जी, सिंगल आर, अच्छा बाहर एन है, ये 2 भी उधर चला जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस। हाँ जी, 100 आ रहे हैं कि +100 आ रहे हैं कि -100 आ रहे हैं, तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं। ये अब माइनस है तो 20 और 5 फैक्टर्स बन गए, एन इज इक्वल टू 5 और एन इज इक्वल टू 20। अब क्या लेके चलेंगे हम, क्यों, हाँ उसे सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों, हाँ क्योंकि बीच में मतलब जो है इस 5 के बाद जो टर्म्स बनेंगी उनका सम जो है वो 0 बन रहा होगा, इसलिए जो आंसर है वो आपकी डबलिंग हो रही है। ये साथ में क्वेश्चन के साथ फर्दर एडिशन आ सकती है, गुरकीरत आगे आ जाओ, ये एडिशन आ सकती है क्वेश्चन में कि वाई द आंसर इज डबल, ठीक है, तो नहीं 2 ही आएंगी बेटे, क्वाड्रेटिक है तो 2 ही वैल्यूज आएंगी, क्यों जरूरी थोड़ा, जरूरी नहीं है, जब आप इसको करोगे यहाँ पे वो 25 आपका लेस है, जब आप 4 एसी के साथ चलोगे वो वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी, अकॉर्डिंगली डिफरेंस ऐड करके और कम करके ज्यादा और कम बन रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सम ऑफ सर्टेन टर्म्स ऑफ द एपी इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म, एस एन गिवन है, ए एन आपने निकालना है, दिस इज योर होमवर्क पार्ट, ठीक है, एस एन गिवन है तो वहां से वैल्यूज पुट करके आपके पास एन आ जाएगा, एन आ गया तो यू कैन फाइंड आउट ए एन, कहाँ गिवन है वो निकालना है हमने, ठीक है, जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एपी इफ द पीएथ टर्म इज 1/Q, क्यूएथ टर्म इज 1/P, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज हाफ ऑफ पी क्यू +1, वेयर पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, ये भी बहुत बार किया हुआ है,
क्या गिवन है, सम पीएथ टर्म इज 1/q टर्म गिवन है अब हमें ये, एपी हमें गिवन है 1/q एंड एक्यू हमें गिवन है 1/p, तो एपी मींस ए प्लस पी माइनस 1 × डी, ठीक है, और एक्यू मींस ए प्लस क्यू माइनस 1 × डी, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ए इलिमिनेट हो जाएगा, हमें गिवन है इफ द पीएथ टर्म ऑफ इज 1/q एंड क्यूएथ टर्म इज 1/p, पीएथ टर्म एपी से डिनोट होती है, फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस एन माइनस 1 × डी, यहाँ पे क्यूएथ टर्म में फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस एन माइनस 1 × डी लगाया, क्या पीएथ टर्म इज 1/q, यानी कि ए पी होगी पीएथ टर्म इज 1/q, यानी कि इक्वल टू 1/q, उससे क्या होगा, मैं इसको सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रही हूं ये वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, सेम नहीं है बेटे, पीएथ टर्म की क्यू की टर्म्स में है, क्यूएथ टर्म की पी की टर्म्स में, हाँ जी हाँ वो सेम, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया ये कैंसिल आउट हो गया, पी माइनस क्यू इंटू डी, ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p, बिल्कुल ठीक है, एलसीएम लेके डी इज 1/pq, ऐसे ही ए निकाल लो, हाँ जी ए भी बताओ ऐसे ही निकाल के, कहाँ बेटे पीएथ टर्म में तो पी आएगा, एनथ टर्म में एन आते हैं, एनथ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 × डी, तो पीएथ टर्म का क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 × डी, एन की जगह पी लिख दी, हाँ जी ए भी आपका 1/pq आ गया, अब ये वैल्यूज एस ऑफ पी क्यू में पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, सो अप टू क्वेश्चन नंबर 6 यू आर टू कंप्लीट द क्वेश्चंस, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एज द टाइम इज ओवर सो आई एम एंडिंग द मीटिंग।